हम खड़े हैं भचाऊ सिटी पर। आप देख सकते हो मेरे पीछे इस तरह पे भचाऊ सिटी का एसटी बस स्टैंड, और हम जा रहे हैं सैमख्याली। तो आप देखेंगे आज इस सैमख्याली सिटी को देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने भचाऊ वाला वीडियो नहीं देखा है, भचाऊ सिटी टूर वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है आपसे, और ये मुलाकात अब जारी रहेगी। अब हम आपसे हर संडे मिला करेंगे किसी और नई सिटी के साथ, नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो भचाऊ से सैमख्याली का रास्ता है, ये बहुत ही खूबसूरत है, जो आप देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से सैमख्याली रह गया 4-5 किलोमीटर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसमें बहुत ही खूबसूरत रिवर है, जो हम इस रिवर को देखने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। तो चलिए मैं आपको ये खूबसूरत रिवर थोड़े मैं पास जाके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं सैमख्याली में, और इस तरफ जो आप एंट्री गेट देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे और सब एक बना हुआ है, शायद वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, और यहाँ का रेलवे स्टेशन देखेंगे। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहना। बाकी ये देखो, ये है सैमख्याली। अभी बारिश का मौसम है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है, देख सकते हैं आप, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस बारिश के सीजन में सैमख्याली अलग ही दिख रहा है, अलग ही खूबसूरती दिखाई दे रही है इस सिटी में। तो अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं इस तरफ पे एसटी बस स्टैंड, जो आप देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एसटी बस स्टैंड दिखाते हैं।
आप जो भी ये देख रही है छोटा रहा एस टी बस है चमकैली सिटी का। तो चलिए आप चलते हैं, आपको लेक दिखा। अभी हम लेक के पास पहुंच चुके हैं, ये है वो लेक। तो चलिए अब चलते हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ, वो आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ चमकैली का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चमकैली रेलवे स्टेशन के अंदर, आप देख सकते हैं यह है चमकैली का रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ही खाली है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। चलिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ यह खूबसूरत रेलवे स्टेशन चमकैली का। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो हम ऊपर से आपको रेलवे स्टेशन नहीं दिखा पाए, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आप चमकैली आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं है, आप कहीं होटल वोटल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर पास में बचाव सिटी है वहाँ पे कुछ हॉस्टल है जो आपको वहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा रहने के लिए 700 से 800 के बीच। और चमकैली में ऐसी कोई हॉस्टल नहीं है, ये छोटा सा ही विलेज जैसा है। तो समाप्त करते हैं इस खूबसूरत वीडियो के साथ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी और खूबसूरत वीडियो के साथ।